स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। भाई आज हम पहुंच गए हैं Roblox गेमिंग के डबडुमल सेठ वाले स्कूल के अंदर। यहाँ पर हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एक इंटेलिजेंस के थ्रू हमें इंटेल मिली थी कि इस स्कूल के अंदर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। भाई इन्हीं अत्याचारों से उन्हें बचाने के लिए तुम्हारा भाई आ गया है। आइस बियर गेमिंग प्रेजेंट्स द मास्क मैन। अच्छा अब मास्क मैन आ गया है पूरा अपने विकराल रूप के अंदर। अब विकराल रूप के अंदर आने से हम जाएंगे उस स्कूल के अंदर और बच्चों के सामने ऐसा प्रतीत करेंगे हाँ हम इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए, उन्हें दोस्ती करेंगे और उसके बाद उस क्लास से हम वहां से भागने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये स्कूल बड़ा ही खतरनाक स्कूल है भाई। इस स्कूल के अंदर मैं जैसे ही गया तो मैं जाते ही समझ गया था कि इस स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ तो लोचा है। तो इस लोचे को बिल्कुल सोल्यूट करने के लिए, बिल्कुल सोल्यूशन लेने के लिए, बच्चों को वहां से निकालने के लिए, क्योंकि आइस बियर गेमिंग का काम ही वही है, लोगों को सोल्यूशन देना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ दबा के करिए इस गेम को। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि चलिए शुरू करते हैं। स्कूल के अंदर हम पहुंच गए हैं। यहां पर हम देख रहे हैं मास्टर जी खराटे मारकर सो रहे हैं। भाई ये तो सरासर ना इंसाफी है मास्टर जी। हम अपनी कुर्सी उठाकर यहाँ लगाएंगे और इस कुर्सी को यहाँ पर लगाने के बाद हम इस कुर्सी के ऊपर चढ़कर इस एरो को ऊपर देखते हुए ऊपर कूद जाएंगे और फिर जाकर देखेंगे यहाँ पर क्या है। पहले हम मास्टर जी को देख कर आते हैं कि मास्टर जी दिखते कैसे हैं। वाह एकदम तरोताज़ा भैंसे जैसे दिख रहे हैं। वाह पता नहीं क्या खाकर आज घर से आए हैं जो इतने गंदे गंदे उबासियाँ और डकार मार रहे हैं। मास्टर जी बड़ी गहरी नींद में रहे हैं। लगता है इस कुर्सी के ऊपर हमें चढ़ना होगा और कूदना होगा। भाई हम कूद कर देख रहे हैं, शायद ये कुर्सी छोटी पड़ गई है, हमें इसे साइड में गिरना होगा, ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से हम लेंगे एक टेबल। शायद इस टेबल से हमारा काम बन सकता है, तो इस टेबल को हम वहाँ लगाएंगे। और भाई हमें स्कूल से बाहर निकलना है, तो आप सभी को पता है कि स्कूल से अगर हम बाहर निकलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। देखिए हमारे सहपाठी भी साथ में घूम रहे हैं और इसके अंदर एक ही बार में हमारा काम बन गया। भाई मास्टर जी बाय बाय टाटा खत्म गुड बाय गया। तो भाई अब यहाँ आ गए हम नेक्स्ट पड़ाव पर आ गए, स्पीड बूट 100 रुपये के। इतना पैसा कहाँ है भाई, फ्री में जाना होगा हमें तो। अल्टीमेट बंडल $1300 वाओ नहीं है भाई, ये सूट पैक हमें मिल जाता। इनसफिशियंट Roblox बंडल हमें दिख रहा है भाई, रोकड़ा नहीं है। अरे ये क्या था, मोहतरमा तो सीधी कूद कर चली गई, हमने तो पहले पड़ाव में ही हक दिया। अरे भाई एक एक हाथ जितने लंबे सुए नीचे लगाए हुए हैं और ये घुस गए हमारे पिछवाड़े में। खेल अभी खत्म नहीं हुआ मुन्ना, आपको लगा खेल खत्म हो गया, अरे नहीं कैसे भाई, इस स्कूल से बाहर निकलना हमें। हमारे मम्मी पापा तो इस स्कूल के अंदर छोड़ गए हमें अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि घर में हम शरारतें बहुत करते थे। भाई नीचे इतने लंबे लंबे सूहे लगाए हैं हम जैसे शरारती बच्चों के लिए। अब ये शरारती बच्चे जो हैं नटखट बच्चे अपने घरों में शरारत करते हैं, तो उन्हें ऐसे ऐसे स्कूलों में बंद कर दिया जाता है जिनके अंदर निकलने से पहले बंदे की हवा टाइट हो जाए। पर हम तो रह रहे शरारती बच्चे, तो हमें तो इस स्कूल से बाहर निकलना ही है। तो निकलना है तो भाई हम कूद कर यहाँ से एक और जंप लगा के इस दूसरे पड़ाव के ऊपर आ गए हैं। भाई साहब सामने वाला तो मुझे लग रहा है जेट पैक लगा कर गया है, सीधा ही कूद गया। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब हम यहाँ से कूदें कैसे। अरे सोच सोचते कूद गए भाई, शुक्र है भाई थर्ड पड़ाव पूरा हो गया अपना, एक और बार कूदे और ये इसके बाद हम निकलेंगे सीधे सीढ़ी। हमें उस सीढ़ी के पास जाना होगा भाई, उस सीढ़ी के पास चलते हैं। और ये चढ़ गए और चलो भाई सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाओ जल्दी से, इस सीढ़ी के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप गेम में बने हुए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कुछ अच्छा लगे तो। भाई बाउंसी बूट्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि रोकड़ा इच नहीं है भाई। अरे इस बटन को हमने दबाया और इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके ये पंखे चालू हो गए हैं, अब इन पंखों का काम क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ओहो बंदा कूदा है उधर, मैंने देखा उसको कूदा है वो उधर, देखते हैं उधर से क्या होगा।
पर वो कूदा है, मेरे को याद आ रहा है, मेरे को रिमाइंड हो रहा है, वो साइड से कूदा था। ओके, और घुस गए भाई, बहुत दर्द हो रहा है पिछवाड़े में, बहुत लंबे लंबे कीड़ा ठोके हैं भाई, लंबे लंबे। अब हमें इस बटन को तो दबा दिया है, अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है ये भाई इससे बाहर कैसे निकला जाएगा। पंगा तो छेड़ दिया ये, बट हम भी निकल के रहेंगे मास्टर जी, अगर सॉलिड हैं तो हम भी डबल सॉलिड हैं भाई। मास्टर जी ने हमें पीट पीट के लोहे का बना दिया, तो अब इस जंगल से तो बाहर निकलना ही होगा, और इस जंगल से बाहर निकलने के कुछ भी करेंगे हम, तो मुझे शायद इन पंखों के ऊपर कूदना होगा। बट यार पंखों के अंदर गिर गया तो सब कुछ परकच्चे उड़ जाएंगे, पर देखते हैं कूद के। ओके, समझ गए भाई, इनके ऊपर कूद गया, बैलेंस बन गया, मैं नेक्स्ट वाले पे कूद गया हूँ। मतलब ये जो हवा निकल रही है इनसे, तो ये हवा अपने को ऊपर रखेगी, ये बड़े बड़े एग्जॉस्ट इन्होंने यहाँ टिका रखे हैं, जिससे कि हवा आएगी वो आपको ऊपर ही रखेगी। और ये घुस गए एक बार फिर से, तो भाई पिछवाड़ा तो अपना लोहे का हो गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमें गेम तो क्लियर करना ही है। तो अभी फिर से हम एक ट्राई मारेंगे, और ये ट्राई के साथ साथ हम पढ़ रहे हैं आगे, और इस पंखे के ऊपर से पूरा टिका के कूदेंगे इस बार। अच्छी जंप यहाँ पर लगाई, और इस बार हम पार कर जाएं, भगवान बस पार कर गए भाई, शुक्र है इतना तो पहुँचे। अब नेक्स्ट अपने को जो स्टॉप है उस पर जाके अपने को क्लिक करना। अब यहाँ से जाना कहाँ है भाई, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, कहाँ जाना है, खड़ी पहाड़ी है सीधी आ रही है, तो पाइप सीधा लगाया हुआ है, पीछे जा नहीं सकते हैं, यही पाइप बचा है। फिर एक एरो उधर दिख रहा है सामने, येलो वाला, बट मुझे लग रहा है ना जो इसी के ऊपर जाना था, और इसी पे कूद गए। हम आगे देखेंगे, अब रास्ता तो आगे ही बताएगा क्या है। कूद गए भाई, ये एक बड़ा पंखा, फिर से सीढ़ी मिली, शुक्र है इधर ही आना था, मतलब ठीक है हम सही जा रहे हैं। एक और पीला एरो, वाओ इतने बच्चे, अबे इतने बच्चे कहाँ से आ गए भाई, एक और घुसंड मारा, देखो हम कितने अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस मेरे साथ आगे आगे बढ़ रहे हो यार, कुछ मेरी भी हेल्प करो, मैं भी तो तुम्हारी कितनी हेल्प कर रहा हूँ भाई, तो समझो मुन्ना, और साथ में हेल्प करके साथ साथ निकलो यार, अकेले अकेले भाग जाओगे, फिर बाहर जाकर शरारते किसके साथ कराओगे, याद करोगे फिर शरारती चिंटू कहाँ है भाई। इन दोनों पाइपों के बीच में जो गैप है ना, मेरे को बड़ा डर लग रहा है देख के, सच में रियल में मेरे को डर लग रहा है। और ये गैप यहाँ बढ़ गया भाई, क्या हुआ, अरे मेरा ये पैर भी उसमें है यार, पैर ना निकल जाए भाई साहब, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं भाई, सीधा चलता रहे, राम 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 राम, ये तो हमें फिल्म वाली बात हो गई यार, मरा 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 मरा, अरे यार एक पाइप पार की तो दूसरे वाली दिख गई क्या, सॉरी, शुक्र है वो उधर जाना ही नहीं है, वो तो दूसरी थी भाई, बटन दबाया, शुक्र है प्लेन धरती पे तो आए यार, यहाँ से रिस्पॉन, ये रिस्पॉन करना पड़ेगा अपने को, ये बटन दबा दिया, ताकि अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को कुछ होगा तो मैं यहाँ से एटलीस्ट मैं यहाँ से तो अपनी गेम में बाद में रिकवरी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे को पुनर्जन्म मिलेगा, इसका मतलब ये है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ से एरो कहाँ दिख रहा है भाई, कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें रखी हैं, इनमें से किसी चीज़ को उठाना है हमको, हम ये सीढ़ी भी उठा सकते हैं, तो इस सीढ़ी को उठा लिया है मैंने, अब मैं ड्रॉप करूँगा सामने, सामने आ रहा है ना ये सारे, यहाँ पे इसको ड्रॉप करूँगा मैं, इसको ड्रॉप करने के बाद अब पता लगेगा अपने को कि अपने को जाना कहाँ है। सीढ़ी का एंगल चेंज करना पड़ेगा भाई, और उधर से जाके चढ़ना पड़ेगा, या इधर से ही चढ़ के बन जाएगी बात, चढ़ता हूँ देखता हूँ, इधर से चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर, और बहुत बनी नहीं बात, नहीं बनी, नीचे गिर गया, दोबारा अपने को ट्राई मारना पड़ेगा, इससे पहले भाई मास्टर जी आ जाएं, भाई साहब चल पड़ो इस गेम में बाहर निकलते हैं यार, मास्टर जी इतनी मेहनत के बाद भी मास्टर जी मारेंगे तो यार बड़ा गंदा लगेगा यार, और इस बार तो गंदी तरह मारेंगे, क्योंकि हम स्कूल से भागना चाह रहे थे भाई। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कूल के अंदर ना रहूं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो भाई, और प्यार बरसाओ यार, बहुत टाइम से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं मैं, प्यार मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं मिल रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है यार। तो अरे भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है मुन्ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मैं बिल्कुल ही पास आ गया हूँ। अरे भाई कहाँ फंस गया यार, इतनी मेहनत करके गया था, मास्टर जी ने तो अपने पास ही बुला लिया मुझे लगता है यार, ये तो गलत हो गया यार, बच्चे के साथ ना इंसाफी कर दी यार, ये तो गलत है, ये पंखा है इसमें से मैं जा नहीं सकता, क्या अब तो मास्टर जी बटन दबा दे तो भैया यहाँ पे हमारी पतली पतली जलेबियाँ बन जाएंगी भाई, खाने वाला भी कोई नहीं होगा, एटलीस्ट कोई खा ले तो कम से कम किस्सा तो ख़त्म हो। तो भाई देखना ये है कि ओके भाई, मास्टर जी की झुरझुर की आवाज़ आ रही है भाई, अपने को कहाँ गिरा दिया ये प्लेन सरफेस, और मास्टर जी आगे भाग भाई, भाग भाग मेरे भाई, साइड से निकल ले, ओए होए शिट मैन, रुको जरा सबर करो,
फिर से पुनर्जन्म हो गया अपना, और यहाँ से हम भागने की कोशिश करेंगे भाई। बहुत ही क्लोज हैं हम, मतलब मास्टर जी बाहर आ गए इसके मतलब हम क्लोज हैं। देखो क्योंकि हम बाथरूम में आ गए हैं, ये बाथरूम में क्या है मेरे को नहीं पता, अलमीरा सी खड़ी हैं बहुत सारी। वो सामने क्या है भाई, सामने गेट दिख रहा है मेरे को एक, ये ताला है, देखते हैं ताले को खोल के, पर इसके लिए कोई चाबी लगेगी। अरे मास्टर जी मुझे माफ़ कर दो, मास्टर जी माफ़ कर दो प्लीज़ यार। मास्टर जी बिल्कुल ही पीछे पड़ गए, बट मारेंगे बहुत गंदा भाई मेरे को पता है इस बार। पूरा सामने आ रहा भाई, चाबी है, चाबी लग रहा है, चाबी मिल रही है शायद। अपने भाई के लिए दुआ करो भाई, दुआ करो स्टेज पार हो जाए। चाबी, चाबी ले ली हमने, यस। मास्टर जी पेल दिया फिर से एक बार, क्या यार भाई 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 भाई, मास्टर जी बख्श दो यार। बहुत डर लगता है यार जब एक बार आता है ना, सच में रियल में ऐसे डर जाता हूँ जैसे ग्रैनी वाली गेम है ना उसमें डरता हूँ, वैसे आदमी डर जाए यार एक बार तो। जिम साइंस सामने लोक है भाई साहब, बात बन सकती है अपनी। और लोक में चाबी, चाबी लगा दी। अरे मास्टर जी बाल बाल बचे, गजब बाय बाय। ये हम जिम में आ गए हैं, और अब यहाँ पर भाई जिम में आ गए तो जिम में थोड़ा आराम करना तो बनता है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, नेक्स्ट बार जल्दी आ